मोदी के नाम पर देखो, अब हम पप्पू को वोट देंगे, पिंकी को वोट देंगे, ठीक है, टीपू को वोट देंगे, पप्पू देंगे, पिंकी को देंगे, टीपू देंगे, मूर्खों का जो सरदार, हम मूर्ख हैं, हमारा सरदार है तो हमें वोट देना ही पड़ेगा भाई। उन्होंने यही बोला, मूर्खों का सरदार, तो हम तो मूर्ख हुए, हमारा सरदार वो अब है, ठीक है। पहले मौन सरदार थे तो उनको इनकी बातों में रिजेक्ट कर दिया था हमने मीडिया के चक्कर में, वो हमारी भूल थी, ठीक है। लेकिन हम जो लोग हैं अब रास्ता बदल दिए, अब हम पप्पू को वोट देंगे, टीपू को वोट देंगे, ठीक है, और यानी कि पिंकी को वोट देंगे, समझ रहे मेरी बात, चचा को वोट देंगे, नीतीश चचा, ये लिख लो, बहुत जरूरी है, जरूरी अपील है, ये जरूरी अपील है, वोट जरूर डालना। हाँ, पनौती भाई है जो देश में वोट नहीं डालेगा, अब पनौती वो है, राशन कहीं मिल रहा है, हाँ, वोट क्यों नहीं डाल रहा कहीं का कहीं भी, अरे वो व्यवस्था होगी तब होती रहेगी, अभी व्यवस्था नहीं है, ठीक है। और दूसरा, हमें ईवीएम पे निगरानी रखनी है, अगर ईवीएम पे जिसने निगरानी नहीं रखी, मान लो हमें एजेंट बनाया गया और हमने निगरानी नहीं रखी, ठीक है, वहाँ वोट डला के छुट्टी कर दी, तो हम भी फिर भी पनौती हो गए भाई, क्या फायदा हुआ, हमने वोट डाला वहाँ गड़बड़ी हो गए, तो पनौती हो गए हम तो। हाँ, तो आइए ना संविधान की बात कर लें, अभी संविधान दिवस गुजरा है 2 दिन पहले ही, तो थोड़े बात ही कर लो आज संविधान पे, संविधान का राज स्थापित हुआ कि नहीं हुआ है? हाँ, नहीं हुआ है, पहले इनसे ही बात कर लेते हैं, संविधान का राज स्थापित क्यों नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ और होने का भी चांस भी नहीं है, चांस भी नहीं है, मतलब 75वां संविधान दिवस हम लोग मना चुके हैं, मनाते रहो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में लग चुकी है, क्यों अभी भी ये आपको लग रहा है कि संविधान का राज स्थापित नहीं हुआ है? संविधान का राज स्थापित हुए क्या साल हो गए? मैं मानता हूँ ये धरातल उतरे तब तो हम इस बात को माने, आपका जहाँ जहाँ आप देख रहे हो वहाँ तो दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन धरातल पे कहाँ पे है? धरातल जब तक नहीं उतरे तब तक कैसे मान ले बिना संविधान? पहली बात, अभी संविधान के बारे में लगभग मेरे ख्याल से अगर सही से देखा जाए, अगर 1 अरब 45 करोड़ या 35 करोड़ आबादी है, तो मुझे नहीं लगता है कि लगभग मेरे ख्याल से 20-25 करोड़ ही लोग जानते हो सकता है उससे भी कम हो संविधान के बारे में, ठीक है, संविधान के बारे में सही से 20 या 25 करोड़ ही लोग जानते होंगे, सही से संविधान जानते ही नहीं कोई है। अभी 1 अरब से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो संविधान के बारे में जानती ही नहीं है, जो पीछे आवाज़ आती है उसी में हो करने लगते हैं, बस कुछ जानते ही नहीं, बताओ वजह इसके पीछे नहीं जानने की वजह? वजह यह है, अगर ये संविधान सब लोग जान जाएंगे तो ये सारी त्रुटियां ही दूर हो जाएंगी, जिनके लिए आज जो शुरू से मारामारी चल रही है, संविधान जानते ही नहीं, बस अपना किसी को आरक्षण नहीं चाहिए उसे भी चाहिए, मेरी समझे, जिसको आरक्षण नहीं चाहिए उसे भी आरक्षण चाहिए, यही तो संविधान में है, संविधान में तो सबको बराबर करने के लिए व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन कहाँ हो पा रही है? किसके आरक्षण की आप बात? अरे भाई, एक आरक्षण नहीं भाई, जैसे कहते नहीं हो, देखो गरीब हर वर्ग में होता है, हर जाति में होता है, ठीक है, तो आरक्षण व्यवस्था उन कमज़ोर लोगों के लिए थी, ना कि जैसे किसी भी उसमें अगर है और अमीर है, ठीक है, लेकिन उसे आरक्षण जरूर, यही बात तो कह रहे हैं कि अगर SC ST में कोई अमीर है तो उसको नहीं मिलना चाहिए, हटाओ, क्रीमिलियर के बाहर करो, बिल्कुल होना चाहिए, OBC में उसमें होना चाहिए, सब में होना चाहिए, जो गरीब है। आप ये बात कह रहे हैं लेकिन अधिकतर लोग, मैं बता रहा हूँ ना, जो SC ST के बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आरक्षण कभी भी स्थिति के हिसाब से नहीं दिया गया है, ये आपके भेदभाव के हिसाब से दिया गया है, इसीलिए जो अमीर भी होगा भेदभाव उसके साथ भी है। नहीं, ये सब गलत है, ये सारा गलत है, ठीक है, वो जो कह रहे हैं वो भी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, ठीक है, हाँ, वो अपनी ये बात कहने के लिए सक्षम है कि मैंने आपको एक बार पहले ही बताया मोदी जी को, हाँ, मोदी जी की प्रधानमंत्री नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री, नोटबंदी हुई, उनकी अम्मा को लाइन में लगना जरूरी था? क्यों क्यों जरूरी क्यों नहीं था? एक बात वो दिखाते ना कि जितना सबके लिए उतना मेरे परिवार के लिए है, अब वो गांधी परिवार नहीं था, नहीं, चार आदमी लगाए गए अम्मा को ले जाने के लिए बैंक तक, चार आदमी लगाए गए ना, वही कंपनी वालों ने भी एक एक वर्कर को पैसा दे दे के, वो एक मैसेज भी तो हो सकता है कि देखिए मेरी फैमिली इम्पोर्टेंट नहीं है, वो दिखाने वाला बात वही आ गया ना, इनकी बात समर्थन कर रहा भाई साहब जो यहाँ बोल रहे हैं, ध्यान देना मेरी बात, जो बोल रहा हूँ अगर इसमें 1% गलत नहीं करना तो भाई कहना सुनो, जिस समय गरीब या जो भी लाइन में लगे थे पैसा उनको नहीं मिल पाता था, अंदर ही अंदर बैंक से बाहर निकल जाता था,
ठीक, पैसा वहाँ से आता था जो भी, वो अंदर ही अंदर हो जाता था। हम लोग लाइन में ही लगे रहते थे, 2000 ही पकड़ा दिए, वहाँ लाखों रुपए गए, करोड़ों रुपए गए। अरे पकड़े के छोड़ो, मैं जो बोलना, हर बैंक में एक आधी बैंक होगी ईमानदार जिसने सिस्टम से काम किया हो, बाद बाकी सिस्टम से किसी ने काम नहीं किया। लोगों के पास इतना काला धन दबा रखा था, वो सारा सारा चेंज हो गया। नोटबंदी पे गलत पहुंच गए हम, बात हमारा जो टॉपिक है संविधान वाला, तो यही दिक्कत है आप लोगों की, कहीं बात होती कहीं पहुंच जाते, फिर दिमाग डाइवर्ट। अच्छा सुनो, की बात ये थी, सुनिए, अब पनौती हैशटैग चल रहा है इस समय, तो पनौती के बारे में बोले दे रहा हूँ, जो पनौती हुई उसे भूल जाओ। अब पनौती वो है जो 2024 में वोट नहीं देने जाएगा, नहीं देने जाएगा। हाँ भाई, हम अगर वोट नहीं डालें, हम भी पनौती हैं। अगर आप वोट क्यों वजह इसकी, मैं बोल रहा ना, मेरी सुनो, अगर आप, हम 2024 वोट नहीं डालने जाएंगे, यहीं बैठे बैठे आपसे भाषण देते रहेंगे, तो हम देश के लिए पनौती हैं। ये अगर नहीं डालने आएंगे, ये भी पनौती हैं, ये नहीं डालने, ये भी पनौती, ये नहीं, ये भी बहुत भाषण देते ना, ये भी पनौती। अगर वोट नहीं डालने के, एक वोट डालने का लगभग 10,000 रुपये खर्चा आएगा, आप जोड़ लो। आप कैसे कैसे, हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, ये भी बंदा नौकरी कर रहा, वोट हमारा यहाँ आए नहीं, वोट हमारा जहाँ आए वहाँ आए, इसलिए छोड़ देते हैं, हैं? इसीलिए वोट डालने से छोड़ देते हैं, इसीलिए छूटता है, ठीक है। तो हम अपना 10,000 रुपए पार्टी को एक तरीके से दान करके हम वोट डालने जाएंगे, ये लिख लो, बहुत जरूरी है, जरूरी अपील है, ये जरूरी अपील है, वोट जरूर डालना। हाँ, पनौती वही है जो देश में वोट नहीं डालेगा। अब पनौती वो है, राशन कहीं मिल रहा है, हाँ, वोट क्यों नहीं डल रहा कहीं का कहीं भी। अरे वो व्यवस्था होगी तब होती रहेगी, अभी व्यवस्था नहीं है, ठीक है। और दूसरा, हमें ईवीएम पे निगरानी रखनी है। अगर ईवीएम पे जिसने निगरानी नहीं रखी, मतलब हमें एजेंट बनाया गया और हमने निगरानी नहीं रखी, ठीक है, वहाँ वोट डला के छुट्टी कर दी, तो हम भी फिर भी पनौती हो गए। भाई क्या फायदा हुआ, हमने वोट डाला वहाँ गड़बड़ी हो गए, तो पनौती हो गए हम तो। अच्छा एक सवाल ले लीजिए मेरा, एक सवाल ले लीजिए, और सुनो, और दूसरा, हम अपने क्षेत्र की अगर बात करें तो सांसद के लिए इस समय युवा चेहरा, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, ना हमारी जान पहचान है, ठीक है। हमने बहुत दूर दूर चर्चे सुने, चलते हुए दूर दूर तक, ठीक है, डॉक्टर नवल किशोर सिंह साहब के, ठीक है, उनको इंडिया गठबंधन अपना प्रत्याशी बनाए, हमारी ये मतलब कहने वाली बात है, डॉक्टर नवल किशोर फरुखाबाद क्षेत्र से उनको प्रत्याशी, हाँ वही कायमगंज, उनको बनाए, ठीक है। मैं यादव हूँ, वो साख कह लेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं, वो एक काम करता आदमी है, ठीक है, वो क्षेत्र के विकास के लिए बहुत बड़े लाभदायक होंगे, ठीक है। उनके हमने दूर दूर तक चर्चे सुने, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि हम उनके जाके यहाँ वो कर रहे हो, बहुत बढ़िया आदमी है डॉक्टर नवल किशोर, ठीक है, उनको जानते भी होंगे और नहीं भी जानते हों, वो संगमित्रा मौर्या के, उनका सब वो हो चुका है। अभी देखिए, हाँ, अभी आपने चेहरों की बात की, हाँ, लेकिन लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ज्यादातर जो चेहरा है वो एक ही है, हाँ, प्रधान मोदी, मोदी मोदी के नाम पर वोट। देखो, अब हम पप्पू को वोट देंगे, पिंकी को वोट देंगे, ठीक है, टीपू को वोट देंगे, पप्पू देंगे, पिंकी को देंगे, टीपू देंगे, मूर्खों का जो सरदार, हम मूर्ख हैं, हमारा सरदार है तो हमें वोट देना ही पड़ेगा। भाई उन्होंने यही बोला, मूर्खों का सरदार, तो हम तो मूर्ख हुए, हमारा सरदार वो अब है, ठीक है, पहले मौन सरदार थे, तो उनको इनकी बातों में रिजेक्ट कर दिया था हमने मीडिया के चक्कर में, वो हमारी भूल थी, ठीक है। लेकिन हम जो लोग हैं अब रास्ता बदल दिए, अब हम पप्पू को वोट देंगे, टीपू को वोट देंगे, ठीक है, और यानी कि पिंकी को वोट देंगे, समझ रहे मेरी बात, चच्चा को वोट देंगे, नीतीश चच्चा, ठीक है, ऐसे ही नाम आती है उनको वोट, मतलब जो भी आएगा इंडिया गठबंधन ही, उसी को वोट देंगे, इंडिया गठबंधन से जो भी हटेगा हम उसको वोट नहीं देंगे किसी के। अभी मेरा पहला सवाल तो उपराष्ट्रपति के लिए था, उसके साथ ही साथ उससे जुड़ा हुआ सवाल ये है कि ये पहली मर्तबा है कि एक अच्छे पद पर, बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने बात कही है, इससे पहले कई फेमस चेहरे, कई सेलिब्रिटी, चाहे वो बॉलीवुड से हों या वो स्पोर्ट्स से हों, मोदी जी को कोई भगवान कहता है, भगवान का रूप कहता है, कोई अवतार कहता है, कोई तो वजह लग रही होगी। अब धीरे धीरे देखिए, भगवान का रूप बताऊं, भगवान रूप आप भी कहोगे, अभी तुम्हारा माइक लेके छीन भाग जाऊं, ठीक है, तुम कहोगे साला कोई इतने खड़े रहे किसी ने बचाया नहीं, और यही बंदा मुझ पे झपट पड़े, ठीक है, क्यों, ये तुम्हारी रोजी रोटी है, तो ये कहोगे यार तुम भगवान इतने आ गए हमारे लिए, तो आप यही समझ लो। मैं तुम्हें इतना बढ़िया उदाहरण नहीं देखा, अगर अभी माइक लेके भाग जाऊं, कैमरा लेके भाग जाऊं, ठीक है, तो यहाँ कोई ना, ये भी बंदा खड़ा रहे, कोई ना बोले, हैं तो तुम कहोगे बताओ यार हमें तो जानते नहीं थे, और तुम लोग बताओ हमारी मदद नहीं की, ठीक, तो ये सब राक्षस हो गए, शैतान हो गए।
ठीक है, और इसी बंदे ने भाग के पकड़ लिया, सबने पकड़ के मुझे दबोच लिया और मैं कहा आपको दिलवा दिया। भाई आप लोग भगवान का रूप हो, अब सोच लो जो पश्चिम बंगाल थे उपराज्यपाल और वहाँ पहुँच गए हो, तो ऐसी बात।